हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम मेजर वन फंडामेंटल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। एंथ्रोपोलॉजी का जो मेजर वन का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उसमें 75 मार्क्स आप लोग को लिख के लाने होते हैं, 25 मार्क्स आप लोग को इंटरनल एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें आप लोग को पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यूनिट वन में क्या स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग एंड स्कोप रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री सोशियोलॉजी, फिर मतलब कहने का मतलब है कि मानव विज्ञान का क्या अर्थ होता है, ठीक है, और इसका विषय वस्तु क्या है, मतलब क्या पढ़ना होता है मानव विज्ञान में, मानव विज्ञान का विषय वस्तु क्या, कहने का मतलब क्या पढ़ना है, अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से ये संबंधित है, ठीक है, इतिहास के साथ किस प्रकार संबंधित है, समाजशास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, जंतु विज्ञान के साथ, भूगर्भ विज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ और राजनीति विज्ञान के साथ किस प्रकार अंतर संबंधित है। तो फ्रेंड्स यूनिट टू में देखते हैं हम क्या है, मानव विज्ञान की मुख्य शाखा कौन कौन से हैं। देखिए मानव विज्ञान के मुख्य कौन कौन से शाखा हैं, इसके मतलब कुछ शाखा तो होते ही होंगे, ठीक है, तो उस शाखा के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अगला देखिए क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान क्या है, इसके अर्थ और विषय क्षेत्र को बताइए, फिर जैविक मानव विज्ञान के अर्थ और विषय क्षेत्र को बताइए, प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान के अर्थ और विषय क्षेत्र को बताइए, फिर भाषाई मानव विज्ञान के अर्थ और विषय क्षेत्र को बताइए। तो यूनिट टू में हो गया क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। अब यूनिट थ्री में क्या पढ़ना है, तो मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ना, जैसे समाज किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, झुंड किसे कहते हैं, वृंद तो एक ही हुआ, ठीक है, जनजातीय कबीला किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, अर्थ और अवधारणा, परिवार, विवाह, नातेदारी, तो इस सब का अर्थ के अर्थ को भी लिखना है, ठीक है, पढ़ लेना है आप लोग को, पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखिए यूनिट फोर में क्या, संस्कृति, संस्कृति का क्या अवधारणा है, इसका परिभाषा दीजिए, संस्कृति के उपायाम कौन कौन से हैं, विशेषता क्या हैं, प्रकार क्या है संस्कृति के, फिर संस्कृति व सभ्यता में असमानताएँ क्यों हैं, संस्कृति और सभ्यता दोनों असमान क्यों है, ठीक है, एक ही क्यों नहीं है, मानव का जैव सांस्कृतिक उद्विकास के बारे में बताना है, फिर एक सामान्य परिचय दे देना है। तो आप लोग को क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए इकाई फाइव यानी कि यूनिट फाइव में अवधारणा, अवधारणा क्या होता है निर्विज्ञान का या निर्जीव अति विज्ञान का, ठीक है, फिर मानव जाति विज्ञान जनांकिकी या मोनोग्राफी, मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य परंपरा, तो क्षेत्र कार्य परंपरा भी कुछ होते हैं, यानी कि फील्ड वर्क होता है, तो क्या फील्ड वर्क होते हैं उसके बारे में, ठीक है, इतना ही आप लोग को सेमेस्टर वन में पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप इसका कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप लोग सीएसएल प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप का जो नंबर होता है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं उसमें कुछ फी पे करके। तो इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जाएंगे, तो आप लोग जरूर से देखिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरटेनमेंट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।